अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटी फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत के साथ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सुबह पहला रोज़ा है, पहले रोज़े की सहर का टाइम है और मैं अब जा रही हूँ। मुझे अभी भी गुड न्यूज़ मिली कि गैस आ रही है। मुझे बहुत टेंशन थी रमजान में क्या होगा गैस का, जाके देखते हैं गैस आ रही है और फिर कुछ सहर के लिए बनाते हैं, उसके बाद सहरी करते हैं। आहिस्ता बोलने की रीज़न मेरा बच्चा है जो कि यहाँ पर सो रहा है, इस वजह से मैं आहिस्ता बोल रही हूँ। तेना सुनी सुनी बात, और मैंने जब खुद आजमाऊँ इससे मैं खुद आजमानी आई हूँ गैस आ रही है। ओह यस, गैस तो आ रही है। ओह हो, सर्दी भी आ गई, गैस देखने का भी अपना ही मजा। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। नीचे जा रही हूँ, जैसे मैं यहाँ पे आई हूँ ना लॉबी में ऊपर नीचे जाने के लिए, और मुझे ब्लैंकेट बड़ा प्यार लग रहा है। मैं नीचे जाने के लिए, इतनी मज़े की खाने की खुशबू आ रही है कि मतलब सहरी तैयार हो रही है, उसकी खुशबूएँ आ रही हैं। मैं भी जाती हूँ, मैंने भूले चूल्हे में गैस चेक की थी, मैं नीचे जाती हूँ, नीचे जाके जो है कुछ अपनी सहरी का इंतज़ाम करती हूँ जल्दी से। वही बाकी टेंशन है, मुझे जल्दी से ऊपर भी जाना है, ये बना उठ जाए ना बच्चा अकेला मेरे ऊपर। कॉफ़ी, लेमन और इसबगोल का छिलका भी ले आई हूँ। डाइटिंग का फूड प्लान है मेरा, तो अब ये मैं टिंडे गोश साथ दही के अंदर दालचीनी का पाउडर, मैंने आज ही सुना है कि वेट लूज करने बहुत अच्छा है, ये भी ला लिया रोटी के साथ जो कि मैंने रात को बना के रखी थी कि सुबह गैस नहीं, पर अब गैस आ रही, मैंने ज़्यादा गर्म किया है, इसको खाते हैं, सहरी करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। अल्लाह तला जो है ना रमज़ान बरकतों वाला साबित करे हम सब के लिए, हमारी मुश्किल आसान करे और हमारे गुनाहों को माफ़ करे अल्लाह तला। और यहाँ पे सारी की तैयारी है, मेरा बच्चा बोलो पापा खाते तो अभी लेते हैं दोनों का लेता है अलग अलग पपी। और यहाँ पे आधा किलो कुर्बानी ली है और इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया, धो के मैंने इसको डिप कर दिया है पानी में, थोड़ी देर डिप करके इसका फिर इसका पानी निकाल दूंगी ताकि जो गन जमा हुआ है वो भी नरम होकर उतर जाए, जैसे कि तिनके ऊपर आ रहे हैं, ऐसे काफ़ी गन निकला। इसमें आधा किलो कुर्बानी की मैं चटनी बनाऊंगी, दही भल्लों के लिए बना के रखूंगी रमज़ान में, क्योंकि घर के हम खाते हैं तो घर के साफ सुथरा बनाए सब कुछ तो अच्छा लगता है। मैंने टमाटर, आलू और प्याज काट लिया, ये बैंगन अब ये काटने लगी हूँ, आलू बैंगन बना रही हूँ, इमली वाले खट्टे खटिया मसाले वाले तो आलू बैंगन बनाते हैं और फिर खाते हैं। मुझे आलू बैंगन बहुत पसंद है इसलिए आलू बैंगन, मैंने पूछा क्या बनाना है, मैं कहा आलू बैंगन बना लेते हैं, साथ बॉइल्ड राइस बनाऊंगी, मज़ा आ जाएगा। और यहाँ मैंने इसके अंदर चीनी ऐड कर दी है, देखें ये चीनी ऐड की है, और सॉरी कैप्चर नहीं कर पाई रोज़े की हालत में, तो चीनी ऐड की है तकरीबन मैंने इसके अंदर आधा किलो, ऑलमोस्ट आधा किलो की चीनी ऐड की, चीनी डाल के अच्छी तरह पकाएंगे, फिर हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी, फिर पकाया नमक मिर्च पकाया स्पाइसेस डालूंगी, पर कहीं चीनी डाल के इसमें बना देते हैं। अब इसके अंदर जाएगा थोड़ी सी लाल मिर्च, मीठी चटनी भी होती है पर थोड़ी सी खट्टी मीठी होती है, चटनी मज़े नहीं होती है थोड़ी सी, इसके अंदर मैं पीसी भी यहाँ पर जो है मैं बंद गोभी को क्रश कर लेती हूँ थोड़ी सी, दही भले बनानी लेकिन उसके लिए प्याज और बंद गोभी की है, प्याज का भी कर दिया मैंने, बंद गोभी को बोलूँगी दही हम अच्छा कंपनी का यूज़ करते हैं पैकेट वाला, यानी दही अच्छा काफ़ी अच्छा है। आधा किलो दही डाल रही हूँ, हिबा चलेगी बाबा के साथ, उनके घर अफ्तारी करने मैं बना रही हूँ अपने लिए, दही को ब्रेक कर लूँगी। अब इसके अंदर मसाले जा रहे हैं कि सबसे पहले मैं चाट मसाला डालने लगी हूँ थोड़ा, तकरीबन हाफ चम्मच शक्कर डालना है इसके अंदर और थोड़ी सी
पकौड़ियाँ भी भिगोई हुई हैं, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी बंद गोभी और ये एक अदद प्याज लिया था मैंने, इसको भी मैं थोड़ा तो एक सारी सब्जी अलग करके डाल रही हूँ। पानी की दही में ऐड किया है, दही बहुत ज़्यादा थिक था। अब ये दही पकौड़ियाँ हो गया, मैं इसमें आलू ऐड कर देती हूँ, ये खुबानी की चटनी जो बनाई उसके साथ सर्व करेंगे। और यहाँ पे जो है मैं अब स्ट्रॉबेरी का जो शेक बनाने लगी हूँ, तो बस टाइम 6 बज गए अब, बिल्कुल बस हो गई है। पहले बाजार गई, घर आके तब से कुकिंग कर रही हूँ, तो बस अब हिम्मत जवाब दे चुकी है बिल्कुल ही। पे जो है ये इफ्तार मेरी बहुत सादा सी खजूर है, मिल्क शेक है स्ट्रॉबेरी का बगैर चीनी के, सादे ही हुए हैं, और सब मैंने बनाए बॉइल्ड राइस और आलू बैंगन। ये मेन्यू है आज का। देखिए मेरा बच्चा ना मम्मा की नकल कर रहा है, दोनों हाथ से मम्मा लैपटॉप यूज़ करती हैं काम करती है, ये भी दोनों हाथों से लैपटॉप यूज़ कर रही है काम कर रही है, और इसके साथ साथ जो है ना ये टेबल पे बैठ गई है, क्योंकि मैंने टेबल पे पाँव रखे थे, इसने कहा मैं टेबल पे बैठ जाऊँ। हाई कर दी बसी हाय। अच्छा रमज़ान मुबारक कहा है आपने, क्या कहा है रमज़ान मुबारक के हिबा? रोज़ा था आपका, मम्मा का रोज़ा था, रोज़ा रोजे में कुछ खाते नहीं ना, रोजा बाबा का भी रोजा था ना, रोजा। अच्छा रमजान मुबारक है, रमजान मुबारक ही बस है, रमजान मुबारक। मूड नहीं मेरे बच्चे का, हिबा को सलाम दिया है मैंने, यहाँ पे हिबा सो गई है, काफी टाइम हो गया, सो मैं क्या ब्लॉग एड कर देती हूँ यहाँ पे। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, आज रोजा था पहला, आप सबको मेरी तरफ से रमजान मुबारक हो, कि रमज़ान आ गए और रोज़े मतलब ये बरकतें हैं, ये रहमतें हैं, और ये रातों को जागना और सहरी के बाद सोना बस बहुत ही ज़्यादा मज़ा है। आज रोज़ा मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया, क्यों आदत हो गई थी ना खा पी की ऐशी करने की, और मैं शॉपिंग के लिए मतलब ग्रॉसरी के लिए बाहर अम्मी के साथ चली गई गर्मी में धूप में, तो उसकी वजह से भी ज़्यादा मसला हुआ। खैर अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, आज का व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, उस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।